फ्रेंड्स, तो आज मैं रिस्टोर करूंगा सर्कल के हेडफोन्स जो एक साइड से प्ले नहीं करते। ये बेसिकली एक डेस्कटॉप का हेडफोन है जिसमें आप देख सकते हैं माइक के लिए सेपरेट जैक दिया गया है। इसे सही करने के लिए चेंज कर लेंगे इसकी पूरी वायरिंग और माइक को भी इंटीग्रेट कर लेंगे। सबसे पहले निकाल लेंगे इसका ये ब्लू कवर एक एक साइड करके। फिर निकाल लेंगे तीन फिलिप हेड स्क्रूज एंड अब बाहर आ जाएगा इसका ये स्पीकर। एंड अब ये सिलिकॉन ग्लू को निकाल कर डीसोल्डर कर देते हैं इसके वायर्स। अब दूसरे स्पीकर का भी स्क्रूज निकाल लेते हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा उसका वॉल्यूम कंट्रोलर। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा इसका वॉल्यूम कंट्रोलर और ये वायर जा रहा है दूसरे स्पीकर की ओर जो हेडबैंड के थ्रू पास किया गया है दूसरे स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए। सो अब निकाल लेंगे सिलिकॉन ग्लू एंड डीसोल्डर कर लेंगे इसके भी वायर्स। एंड अब हम चेक कर लेंगे दोनों स्पीकर्स मल्टीमीटर के थ्रू। एंड ये 32 ओम्स दिखा रहा है जो नॉर्मल हेडफोन्स में यूज होते हैं। तो अब खोल लेंगे इसका हेडबैंड एंड सारे वायर्स को निकाल लेंगे इस फ्रेम के थ्रू। फिर दोनों स्पीकर के फ्रेम को बाहर निकाल लेंगे। दोनों फ्रेम्स हेडबैंड से क्लैंप्ड किए हुए हैं तो थोड़ा सा जोर लगाकर बाहर आ जाएगा। तो अब सारे अनवांटेड वायर्स को बाहर निकाल लेंगे। तो हेडबैंड से निकाल लेंगे तीन फिलिप हेड स्क्रूज, फिर निकाल लेंगे इसका क्लैंप। अब दूसरा साइड में भी निकाल लेंगे इसके फिलिप हेड स्क्रूज और क्लैंप। और फाइनली ये वायर को बाहर निकाल लेंगे। हेडबैंड से वायर निकालने के बाद वापस लगा लेंगे इसके क्लैंप एंड फिर लगा लेंगे इसका तीन फिलिप हेड स्क्रूज। फिर अब एक एक क्लैंप को वापस लगाते हुए तीन फिलिप हेड स्क्रूज की मदद से उसे वापस फ्रेम में लगा लेंगे। अब वापस स्पीकर फ्रेम की ओर निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम कंट्रोलर जिसका हम रीयूज नहीं कर पाएंगे। इसे बनाने के लिए हम यूज करेंगे एक ईयरफोन्स का वायर।
जिसमें माइक इंटीग्रेटेड रहेगा और एक बटन भी होगा जिसका मुझे आइडिया नहीं वो चलेगा कि नहीं, बट इसकी मदद से हम स्पीकर को टेस्ट कर लेंगे। कि परमानेंटली फिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे ईयरफोन्स के ईयरबड्स, जो फ्रेम पे लगाने के बाद वायर को सपोर्ट करने में मदद करेगा। सो ये क्वेश्चन गया एक साइड। एंड अब आप देख सकते हैं दूसरे साइड पे होल नहीं है, तो हम एक सेंटर डिसाइड करके सोल्डर आयरन की मदद से उसे होल कर देंगे। एंड लगा लेंगे दूसरे साइड पे ईयरबड्स। इसमें याद रखें कि होल ज़्यादा बड़ा ना हो, नहीं तो वायर अंदर चला जाएगा फ्रेम के। फिर फेविक्विक के मदद से चिपका लेंगे इस कुशन को फ्रेम पर। फिर एक एक करके वायर हम लोग डालेंगे फ्रेम में, फिर एक नॉट लगा देंगे कि वायर खींचने पर टूट ना जाए। फिर इसका लेंथ मैच कर लेंगे कि ये दोनों साइड से इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों साइड इक्वल है तो एक एक करके हम लोग वायर्स सोल्डर कर लेंगे स्पीकर पे। यहाँ याद रखें, अगर आपके स्पीकर में पोलैरिटी है तो नेगेटिव साइड पे हमेशा गोल्डन वायर लगाइएगा। फिर इसका ईयर कुशन लगा देंगे। और फिर तीन फिलिप हेड स्क्रूज। एंड ये दोबारा परफॉर्म कर लेंगे दूसरे साइड पर, दोनों वायर्स को सोल्डर कर देंगे। फिर लगा लेंगे इसका ईयर कुशन। फिर तीन फिलिप हेड स्क्रूज एंड इसे एक बार चेक कर लेंगे। एंड अब आप देख सकते हैं दोनों साइड से आवाज़ आ रही है। एंड ये बटन चला के चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। और आप ये भी देख सकते हैं ये बटन दबाने पे पॉज एंड प्ले हो रहा है, तो ये भी चल रहा है। तो फाइनली दोनों स्पीकर्स को क्लैंप कर लेंगे हेडबैंड पर। एंड लगा लेंगे इस दोनों साइड पर ब्लू कवर।
एंड कर लेंगे इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।